नाइस, मैं भी से आपका अभी ब्लॉग में फिर स्वागत करता हूँ फिर से। क्या अभी ब्लॉग में फर्स्ट टाइम मैं आपका वेलकम करता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं क्लासिक इन्फोटेक हमारी कंपनी, जो हमारी कंपनी है उसमें मुझे आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं आज अपना पर्सनल चैनल खोला है मैंने, इसमें आपको ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग में आज हमको दिखाएंगे। मैं सुबह जा रहा हूँ एक ऐसी जगह, जगह आपने सभी ने जानी पहचानी है, नाम भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद गांव में जा रहे हैं। वहाँ क्यों जा रहा हूँ मैं, एक वहाँ पे भगत जी हैं, वो पथरी की दवाई देते हैं, जिसके किडनी में स्टोन है उसकी दवाई देते हैं, तो नॉर्मली निकल जाती है सिंपली। वो कुछ नहीं करते, कुछ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में आपको दवाई मिला के देते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीनी पीनी पड़ती है। वहाँ दिखाएंगे, चलते हैं, सुबह जाएंगे हम, सुबह 5 बजे निकलेंगे। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम सुबह 5 बजे निकल जाएँ, मैं और एक मेरे जिया जी हैं, उनके भी जिया जी, उनके पत्री है और उनकी सिस्टर है, तो वो जाएंगे हम। तो ब्लॉग में दिखाएंगे आपको सिकंदराबाद में जो भगत जी हैं, मैं वहाँ क्यों ले जा रहा हूँ उन्हें, क्योंकि मैंने पर्सनली उनकी दवाई पी है, और मैं आपको विद प्रूफ भी दिखा दूँगा। अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रूफ दिखाओ, तो प्रूफ के साथ मेरे पास अल्ट्रासाउंड अभी भी पड़े हैं, जो जिसमें 18 mm की पथरी थी मेरे किडनी में। वो कहते हैं ना कांटे वाली पथरी मेरी थी, जो डॉक्टरों ने कह दिया था, ब्रिजगार में स्टोन स्पेशलिस्ट है दिल्ली में, तो उन्होंने भी कह दिया था कि सर ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। कंडीशन ख़राब होने के कारण मैं फिर भी मुझे किसी ने बताया कि आप वहाँ चले जाओ एक बार सिकंदराबाद, वहाँ से दवाई पियो। तो मैं वहाँ गया, दवाई पी, दवाई से दर्द तो बंद हो गया। पथरी वाले का एक आपको मैं बता दूँ, मैं खुद पथरी पाल के और खो के रह चुका हूँ, तो मुझे पता है पथरी का दर्द किस तरह से उठता है, किस तरह होता है। जो कहते हैं ना घोड़े बेच के सोने वाला इंसान भी ना उठ जाएगा, इस तरह से पथरी का दर्द होता है। तो मैं गया, पथरी का दर्द तो वहाँ बंद हो गया उस दवाई को पी के, और दर्द बंद हो जाए पथरी वाले को कुछ नहीं, चाहे पथरी पड़ी रहे अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पर दर्द बंद हो जाए, क्योंकि दर्द ही इसका सबसे बड़ा भयंकर होता है। तो मेरा दर्द बंद हो गया, करीब करीब 1.5-2 महीना दर्द नहीं रहा। उसने 1 महीने मुझे बुलाया था, हर संडे में जाता था, क्योंकि संडे संडे में छुट्टी होती, तो सुबह 6-5 बजे में निकल जाता था अपने घर से, 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है उनका, वो सिकंदराबाद टोल टैक्स के आगे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे इस ब्लॉग में कि कहाँ पड़ता है, कितनी दूरी पर है। तो 18 mm की मेरे पथरी उन्होंने निकाल दी थी, हालांकि निकाली तो खैर बड़ी लेट थी, मैं झूठ नहीं बोलता, करीब करीब 6-7 महीने में लग गए थे, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी लग गया था, तो भी दवाई लाने में, दवाई पी के आने में बड़ी प्रॉब्लम थी। नॉर्मली इंजेक्शन लेने पड़ते थे, ग्लूकोज चढ़वानी पड़ती थी पथरी के दर्द के बंद करने के लिए। लास्ट में गया था तो निकल गई थी पत्ती, तो इसलिए मैं अपने जी जी को लेके जा रहा हूँ। ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो इसलिए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको, ब्लॉगिंग करेंगे अपने वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे सारे नहीं होंगे, कोई किसी भी चैनल नहीं आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की कहानी सिकंदराबाद। तो गाइज मैं तो हो गया तैयार, कैसे आप सब, सुबह के बज गए हैं 6:30, जैसा कि देख पा रहे हैं, तो 6:30 बज चुके हैं, और जिया जी का फ़ोन आ गया कि वो रास्ते में, लेट हो गए हम, आँख नहीं खुली ना तो मेरी ना उनकी। तो चलिए चलते हैं आगे की जर्नी करते हैं कंप्लीट अपनी गाड़ी में। ओके, तो गाइस हम आ चुके हैं चंद्र विहार अपने मेन रोड पर, अगर कोई रोड चंद्र कोई ले लो बाद में एडिट कर देंगे। गाइस सुबह के बज रहे 7, हम हो गए लेट, अरे हम चल रहे हैं, ये नहीं बताएंगे हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं रास्ते में, बस इतना बताया था हूँ, 16 लेन के रोड पे चल रहे हैं, 3 इधर 4 उधर 4 नीचे, कितनी हो गई कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, शायद ज़्यादा हो गई।
100 रुपए इस लाइन के चल रहे हैं। नहीं हम तो 16 पे चल रहे हैं जी, गाड़ी चल रही हमारी 80 पे। ये देखो गाइस, ये नॉन स्टॉप रोड है, पर भारत के कुछ युवा हैं उन्हें, युवा तो नहीं है, ये विदाउट हेलमेट चल रहे हैं नॉन स्टॉप पे। तो भाई ये दवाई मिली है हमें पीने के लिए, भगत जी अभी अंदर गए, ये कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप में मिला के दिए पूरी पूरी दवाई। ये आ रहे सामने भगत जी,